हेलो एवरीवन, तो सभी भाइयों को मेरा राम राम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का इंट्रो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज इंट्रो चेंज है और अभी तुम्हारा भाई एकदम मस्त चकाचक नहा धो करके गया था दुकान पे, हमारी दुकान पे। तो अभी एक काम और करना है मेरे को, यहाँ पर कार्ड जमा करना है यार। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है यहाँ पर। आज चावल मिल रहा है ना। और अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई घर आ गया है, अभी कार्ड को थोड़ी देर में जमा करने जाऊँगा क्योंकि हो गया है बहुत ज़्यादा भीड़। चलिए अभी। और गाइस, अभी सब लोग नहा धो करके तैयार हो गए हैं। और कल लाया था मैं बेल, ये देखिए बेल, और एक इधर भांजी रखी है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बेल का शरबत बनाने के लिए। एकदम टेस्टी। तो चलिए अभी इसको पहले धो करके लाते हैं, इसके बाद बनाते हैं बेल का शरबत। और कैसे कैसे बनाते हैं पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी बेल को तोड़ते हैं। सबसे पहले वन ले, तोड़ दे, तोड़ दे। चम्मच लेके आओ। पानी भी लेके आया। मैं तो चीज हूँ ना, उसको क्या चीज से तोड़ रहा है? मुक्का तोड़ दिया। तो इसके बीच वाला भाग को निकाल दिए हैं, इसमें बीज भी रहता है। तो इसमें इस तरीके से पानी मिला के मैश करना पड़ता है। क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा। लेकिन और ये देखिए इधर माँ अभी खलपट्टे से भिगाया हुआ चावल को कूट करके आटा बना रही है, एकदम चिकना वाला। ये देखिए एकदम चिकना वाला आटा। इसके बाद इसका मालपुआ बनाएगी अभी। तो मालपुआ क्यों बनाएगी, चलिए ब्लॉग में आगे पता चलेगा। A few moments later। और ये देखिए यहाँ माँ बना रही है पुआ एकदम गर्मा गर्म, चावल का आटा को इधर घोल करके उधर बन रहा है पुआ। और अभी टेस्ट करके देख रहा हूँ मैं। इधर मेरी वाइफ को भी दो ठो मिल गया खाने के लिए, और उधर माँ एक साइड से बना रही है और हम लोग सब खा रहे हैं एक साइड से इधर। और इधर ये देखिए भांजी लोग भी खा रहे हैं, और इधर बाबू भी खा रहा है। और अभी हम लोग रूम में ले आए हैं प्लेट में पुआ, और यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं। पुआ मेरा फेवरेट। और तुम्हारा भाई नहीं पड़ता लड़कियों के मोह माया में, और बहुत ज्यादा धूप है इसीलिए तुम्हारा भाई बैठा है पेड़ के छाया में। और मालपुआ खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, मीशो का एक डिलीवरी आया है, तुम्हारी भाभी कुछ ऑर्डर की थी तो लेकर के आते हैं। नए घर के पास बुलाया हूँ यहाँ पर। और ये देखिए भाई साहब लोग यहाँ पर मस्त ठंडा ठंडा पानी में माहौल ले रहे हैं। देखते तो भैया जानते हैं क्या, ईश्वर प्रसाद निर्मल। और एक गाइस तुम्हारा भाई ले लिया है पार्सल।
कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे कुत्ते। कैसे यार प्रेम प्रकाश भाई, का हाल चाल है? और इनसे मिलिए, हमारे प्रेम प्रकाश दोस्त, हमारे कक्षा आठवीं के दोस्त हैं, इनसे मिलिए। बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही आंसर मिला है। ए चुप्पे। जी बताइए क्या बात है? अच्छा बताए, बरातों में जाना है और पार्टी में भी जाना है, भरोस भाई का नहीं पड़ देगा, नहीं जाएंगे तो ना। क्या चीज है? गर्मा गर्म मालपुआ खाया, मजा आ गया। अब बन रहा है बड़ा, ये देखिए इधर पूरा एकदम बड़ा बन के, पुआ बन के पूरा खत्म हो गया। अब बन रहा है इधर बड़ा, एक ठो खा करके देखते हैं। ये देखिए इधर उड़द का दाल को पीस करके इस तरीके से छानते हैं बड़ा। ये देखिए छान रही है माँ इतना गर्मी में। और गाइस जैसे ही तैयार हो रहा था, इसके बाद दूसरा पार्सल वाला आ गया। तुम्हारी भाभी के लिए, उसका बर्थडे आ रहा है तो कुछ ऑर्डर किया था उसके लिए, गिफ्ट देने के लिए, तो फिर से आया है दोबारा। तो चलिए लेते हैं पार्सल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और ये ले लिए हैं पार्सल, और बेटू के लिए भी ले लिया पोंगी। और चलिए अब चलते हैं घर, इसको जा करके ओपन करके देखेंगे यार कि कोई दूसरा माल तो नहीं है। इसके बाद फिर से पैक करके इसको तुम्हारी भाभी के बर्थडे के दिन देंगे। और गाइस अब तैयार व्यार होकर के मैं रेडी हो चुका हूँ, और तुम्हारी भाभी को मत लेना हल्के में, और अभी कुछ देर के बाद तुम्हारा भाई मिलेगा सलके में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्या हुआ कि अभी ये भांजी को जा रहा हूँ पहुँचाने के लिए। आज है 11 जून, और 15 जून से अब स्कूल खुलेगा भैया, तो आत्मानंद में पड़ती है। तो जा रहा हूँ पहुँचाने के लिए, बहुत दिनों तक रही हमारे घर में, तो चलिए चलते हैं। अब हमारा घर सुना सुना लगेगा। तो चलिए चलते हैं। और गाइस अभी हम लोग जा ही रहे थे सलका, और रास्ते में हो गया एक लफड़ा। ये देखिए यहाँ पर फौजी लोग रहते हैं, तो यहीं पर ये हमारा बाइक पंचर हो गया, देख रहे हैं एकदम हीट हो गया है यार, दिक्कत हो गया। अब कैसे करें, नया ट्यूब इसमें चेंज करवाना पड़ेगा। ऐसे ही चलते हुए, एक पंचर को चलाते हुए चलते हैं, नया ट्यूब चेंज करा लेंगे। और गाइस बहुत मुश्किल से जैसे तैसे बाइक को पैदल चला करके लाए, पैदल चलते चलते। और यहाँ पर एक गैरेज है, तो उसका मिस्त्री भी कहीं बारात चला गया है, और पैदल चला गया था उसके भाई को ढूंढने के लिए, तो अभी मिल गया है, लेकर के आया हूँ। और सामने में इधर बाइक खड़ा है, वहाँ पर ये देखिए। तो चलिए पंचर लगवाते हैं, इसके बाद चलेंगे घर के लिए। और यहाँ पर भांजी बैठी है, उधर बाइक लगा हुआ है। और इधर ये देखिए, अब भैया खोलना स्टार्ट कर दिए हैं, अब पंचर जैसे ही लगाएंगे इसके बाद चलेंगे हम लोग सलका के लिए। अभी शाम का समय होता जा रहा है धीरे धीरे। ये देखिए इतना बड़ा फट गया है, और इसके पास ट्यूब भी नहीं है। अब इसी को जुगाड़ बनाते हैं, जैसा भी बनता है। और गाइस मेरे बाइक का पंचर बनते बनते बहुत ज़्यादा रात हो गया, और रात होने के बाद दीदी के ही घर में आ गया, और अभी इधर लाइट वाइट तो है नहीं, तो आज मैं यहीं रुक जा रहा हूँ और कल घर जाऊँगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।